दोस्तों माघ मास की अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान किया जाता है। इस दिन पूरी तरह से मौन रहे तो दोस्तों अच्छी सेहत और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्नान से मानसिक समस्या डर वहम से निजात मिलती है। पूरे नियम से व्रत करें तो कुंडली के सभी ग्रह दोष जो है वो दूर हो जाते हैं। इससे दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन चंद्र ग्रह से रिलेटेड जो भी दोष है उनको दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों शनि दोषों से भी निजात मिलती है। दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन ही मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त, मौनी अमावस्या को स्नान कैसे करना है, साथ दोस्तों मौनी अमावस्या से जुड़ा एक ऐसा अचूक उपाय जिसको करने से जहाँ एक और आपके पितरों का असीम आशीर्वाद आपको मिलेगा, उसके साथ ही पितृ दोषों से आपको निजात मिलेगी और जितने भी कुंडली में ग्रह इत्यादि से रिलेटेड दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। बस दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखना और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, साथ ही से अपने फ्रेंड्स फैमिली और जान पहचान के लोगों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। दोस्तों मौनी अमावस्या के व्रत में मौन धारण करने का विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों की माने तो होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य नहीं मिलता उससे कई हजार गुना अधिक पुण्य मौन रहकर जाप करने से मिलता है। वैसे तो दोस्तों पूरे दिन भर मौन रखने की बात कही गई है, लेकिन अगर दान से पहले सवा घंटे तक मौन रख लिया जाए तो दोस्तों आप जो दान कर रहे हैं उसका फल 16 गुना अधिक आपको मिलेगा। मौन धारण कर व्रत का समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। दोस्तों माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ तो होता ही है, लेकिन मौनी अमावस्या पर स्नान का पुण्य कई हजार गुना बढ़ जाता है। दोस्तों ज्योतिष की माने तो मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने से इंसान के कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या को अपनी स्नान कैसे करना चाहिए। दोस्तों इस दिन आपने जल्दी उठना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए और सुबह आपने स्नान का संकल्प लेकर फिर ही स्नान करना चाहिए। और स्नान करते समय सबसे पहले सिर पर आपने जल के लोटे को लगाकर फिर स्नान करना होता है। और जल में दोस्तों आपने गंगा जल जरूर से मिक्स कर लेना चाहिए और थोड़े से काले तिल आपने डालकर फिर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद आपने स्वच्छ साफ वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद लोटे में जल, तांबे के लोटे में आपने जल लेकर काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। और दोस्तों इस दिन आपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए, दान का संकल्प लेकर ही पूजा इत्यादि आपने करना चाहिए। जिस किसी भी एक मंत्र का आप संकल्प लें और फिर संकल्प के साथ आपने जाप करना चाहिए इस दिन। और दोस्तों आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जितना अधिक आप कर सके उतना अधिक आपने जाप करना चाहिए। हो सके तो सिर्फ जल और फल ग्रहण करके आपने इस दिन उपवास रखना चाहिए। और दोस्तों इस दिन की पूजा में आपने भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री सत्यनारायण की कथा अगर आप सुनते तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और मां लक्ष्मी की असीम कृपा जो वह आप पे बनी रहेगी। तो अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों 2020 में 24 जनवरी को देर रात 2:18 से लेकर अगले दिन यानी कि 25 जनवरी 2020 को देर रात 3:12 तक रहेगी अमावस्या तिथि। दोस्तों खास बात यह कि इस पर मौनी अमावस्या ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात के आखिरी पहर में शुरू हो रही है, इसीलिए दोस्तों आप सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर सकते हैं। सुबह के स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। और दोस्तों आप 24 जनवरी की रात के आखिरी पहर से लेकर सूर्यास्त होने तक स्नान कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपने ख्याल रखना है कि मौनी अमावस्या के दिन भूल कर भी आपने क्रोध नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ज्योतिष की माने तो इस दिन बेहतर होगा कि आप मौन रहकर ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि और मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर मानसिक जाप करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। और दोस्तों इस दिन जितना हो सके आपने दान करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या का एक विशेष उपाय। दोस्तों इस दिन जब आप रोटी बनाएं तो सबसे पहली चीज़ तो कि आटे में आपने थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा नमक डालकर फिर आटा लगाना और फिर उसी आटे की आपने रोटी बनानी है। उस रोटी को बनाने के बाद में उसमें थोड़ा सा घी और गुड़ मिलाकर वो रोटी आपने एक सफ़ेद गाय को खिला देनी है। और खिलाते वक्त दोस्तों ध्यान रखें कि आपने अपने राइट हैंड
सीधे हाथ से जो दाहिना हाथ है उससे आपने गाय को रोटी खिलानी है और फिर राइट हैंड को गाय के सिर पर आपने फेर देना है। दोस्तों इस दिन गाय का स्पर्श करने से आपको गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों ऐसा कहा गया है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप इस दिन काले तिल मिली रोटी अगर गाय को खिलाते हैं तो जहां एक और 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है उसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। इसलिए दोस्तों इस दिन आपने पितरों के निमित्त तर्पण करके आपने पितरों का ध्यान करना चाहिए, उनके निमित्त दान करना चाहिए। गाय को रोटी खिलाते वक्त भी आपने अपने पितरों का ध्यान करते हुए गाय को रोटी खिलानी चाहिए। दोस्तों इससे जितने भी ग्रह आपके वीक हैं, कमजोर हैं, नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। इससे आपकी ग्रह दशा सुधरेगी, साथ ही पितरों का आशीर्वाद मिलने से पितृ दोष जो है वो भी दूर होंगे और उनका आशीर्वाद आपको दिखाई देने लगेगा। क्योंकि अगर दोस्तों अगर आपके घर में किसी भी तरह के पितृ दोष के लक्षण है कि धन की समस्या है, शादी नहीं हो रही बच्चों की, घर में लड़ाई झगड़ा है, कोई बीमार रह रहा है, कोई भी तरह का संकट परेशानी है तो वो सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों कर लीजिए छोटा सा आसान सा उपाय, गौ माता को रोटी जरूर से खिला दें। साथ ही इस दिन आपके काले तिलों का दान करना है, सफ़ेद चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, चीनी चावल बताशे खीर इत्यादि का आप दान कर सकते हैं। दोस्तों जो भी करें मन से करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन किसी भी व्यक्ति को, छोटा हो या बड़ा, किसी को भी अपशब्द कहने की गलती ना करें वरना सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। इस दिन आपने मीठे बोल बोलने और हो सके तो कम से कम बोले, लेकिन जो भी बोले मीठा ही बोले। दोस्तों अगर आपको भी गौ माता पर पूरा विश्वास है तो गौ माता की जय जरूर से लिखें, साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों अपना देश से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए। गौ माता की जय।